लाइफ में। तो अगर आप इस टाइम खुश हैं तो आप पास्ट में बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाओगे तो आपको दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ ही सोचिएगा, जो हो गया है सो हो गया है, और जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। अगर आपका पास्ट अच्छा था, अगर आपको खुशी होती है और आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है अपने पास्ट से, तो आप ज़रूर अपने पास्ट को याद कीजिएगा और अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाइएगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ है कि जो मेरा पास्ट है, ऐसा नहीं है कि मेरा फ्यूचर भी अच्छा नहीं है, मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं है, और जो मेरा पास्ट है वो भी अच्छा नहीं था। मेरा पास्ट भी बहुत अच्छा था, जो कि मेरा कॉलेज टाइम और मेरा स्कूल टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा बेस्ट था, और मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं अपने मतलब पास्ट को। जो मेरा स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम था, वो हर किसी का अच्छा होता है गाइस, लेकिन बहुत सारे इंसान हैं जो हमसे बहुत बड़े हैं, हमारी उम्र से बड़े हैं, तो स्कूल कॉलेज छोड़ के बीच में और एक लाइफ आती है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानियों, दिक्कतों और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक ऐसा दौर आता है हमारी ज़िंदगी में, एक ऐसा स्टेज आता है, तो मतलब इंसान का वो पास्ट अच्छा उस पे डिपेंड करता है, अच्छा बना है या बुरा बना। तो अभी तो मेरी लाइफ, अभी तो जैसे कि अभी स्कूल कॉलेज से बाहर हुई हूँ मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने स्कूल कॉलेज को। और मुझे रात को सपना आया था, अपना जो मेरा बचपन था, मेरे पुराने फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स मुझे दिखे, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सच्ची में। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको सच में ही आपके पुराने टीचर मिलते हैं या पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, और कितनी खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक्चुअली मैं पीछे घर गई थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ पढ़ती थी प्लस टू में, और उसकी शादी हो गई, उसका बेबी भी हो गया था, और जब वो मुझसे मिली ना, मुझे इतना क्या बोलूँ मैं, मुझे अच्छा भी फील हुआ और मुझे अजीब सा लग रहा था कि उसके बच्चे भी हो गए। तो यार पता नहीं ज़िंदगी कब जैसे बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। और तो गाइस मतलब हमें आज भी अच्छी तरह से जीना है, अच्छी तरह से जीना है, ताकि आगे चल के हमें पछताना ना पड़े कि हमने ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी है, क्योंकि गाइस ज़िंदगी एक बार मिलती है जीने के लिए, बार बार नहीं मिलती है। और जो हो रहा है होने दीजिएगा, और आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको वक्त पे छोड़ दीजिएगा और अपने इस प्रेजेंट को अच्छा बनाइएगा, ताकि आप फ्यूचर में आपको पछताना ना पड़े कि यार मैंने अपना टाइम ऐसे गवा दिया। जैसे कि हमने शायद, जैसे बचपन में शायद हमने मतलब अच्छे से भी इंजॉय नहीं किया होगा, तो या हम आज भी अच्छे से इंजॉय नहीं करेंगे तो कल दिन हमें पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत खुशी होती है जब हम अपने पास्ट में, तो जब अपने पास्ट को याद करती हूँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अब भी ऐसे नहीं है कि खुश नहीं हूँ, अब ऐसा है कि थोड़ी सी जिम्मेवारी आ गई है सर पे, थोड़ी सी जिम्मेवारी आ गई, आगे बहुत सारी आएगी। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, परेशानी उसको भी है, जिम्मेवारियाँ उसकी भी है, और तो परेशानी हर इंसान मतलब हर इंसान के सर पे होती है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा रियलाइज़ और थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं, जिम्मेवारियाँ आ रही है सिर पे। काफ़ी कुछ सोचने में मतलब मजबूर हो जाता है इंसान जब वो बड़ा होने लग जाता है, बहुत कुछ सोचने लग जाता है वो। और इंसान तब जब वो मतलब स्टडी करके बाहर निकलता है, तो हर जगह हाथ पैर मारने लग जाते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब के को सर्च करते हैं, कोई प्राइवेट, कोई अच्छा फ्यूचर, बहुत कुछ। ये भी हमारा एक दौर है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा, पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। बट जो भी हो अपनी ज़िंदगी में यार, खुशी से जियो, इंजॉय के साथ जियो और अपने आप को खुश रखो। तो गाइस चलिए, अब बहुत सारी बातें कर ली है और आप लोग बोर हो रहे हो, तो फिर मिलते हैं फिर बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बनाने जा रही हूँ पूरियाँ, और ये मैंने 3 घंटे पहले अच्छे से गूंद दिया था आटा, और ताकि अच्छे से बनी पूरियाँ। ये ऊपर तक फूल गया था, इतनी गर्मी यहाँ पे होगी, तो मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी तेल की कमी हो रही है, क्योंकि मेरे पास तेल इतना ही था, मुझे नहीं था पता कि इतना कम हो जाएगा। और लॉकडाउन है, इसकी वजह से मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए ही खुलती है यहाँ पे शॉप, और तो मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था। अब क्या करें सपना जी, चलिए इसी से काम करिए चलाइए। तो यहाँ पे फटाफट से बनाती हूँ मैं इस तरह से एक एक पूरी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि
कि मैं पूरियां बना रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पहले मैंने एक बार बनाई थी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। मैंने थोड़ा सा मम्मी से पूछा, थोड़ा सा यूट्यूब से मैंने देखा तो बना रही हूँ। और मुझे मतलब बहुत कुछ खाने को मन करता है, जैसे कि पकौड़े, जलेबियाँ, गोल गोलगप्पे और मोमोज वगैरह। मैंने देखा कि अपने चैनल पे देखा, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर है जो काफ़ी अच्छी अच्छी कुकिंग करते हैं, काश मेरे को भी आते हैं। लेकिन अगर मैं बनाने की भी कोशिश करती हूँ ना तो फिर मैं फिर सिर्फ मतलब सत्यानाश कर देती हूँ हर चीज़ का। फिर पिछली बार मैं जलेबी लग पड़ी बनाने और मैंने क्या बनाया था, मैंने शर्म के मारे दिखाया नहीं आप लोगों को, इतनी बेकार, क्या बोलूँ मैं, छोड़िए क्या बोलना। और तो मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, जो भी खाती थी तो बाहर ही, जब बर्गर खाना हो या मोमोज खाने हो या कुछ भी खाना हो, पिज़्ज़ा खाना हो तो बाहर ही, समोसे खाने हो तो बाहर ही खाते थे। लेकिन किसको पता था कि लॉकडाउन भी आएगा बीच में, तो शायद सीख लेते पहले। तो चलिए धीरे धीरे ही सीखूंगी मैं। और जिस तरह से मैं पूरियाँ बनाना सीख रही हूँ, आज मेरी जो पूरियाँ काफ़ी ज़्यादा गोल गोल बन रही थी। कई लोग जो पूरियाँ बनाते हैं ना वो ऑयल से बनाते हैं, जैसे ऑयल से बड़ा करते हैं, और बेलन का मुझे नहीं था पता। तो मम्मी ने बोला कि अगर ऑयल से नहीं बनती है तेरी जो पूरियाँ हैं तो तू उसमें आटा लगा सकती है। मैंने बोला उससे तो हमारा जो ऑयल है वो काला बनेगा। उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आज बेलन से बनाई और अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बन रही है, मुझे अच्छी लग रही है। तो यहाँ देखिए बन के रेडी है मेरी पूरियाँ, कैसी लग रही है आपको गाइस तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, मैंने आधी खा ली है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है। देखिए मैंने कितनी सारी बनाई है। और इनको मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मेरी एक दोस्त है, फ्रेंड है मेरी, मैं उसके साथ भी शेयर करूंगी, मैं उसको भी दूंगी। मैं परांठा बनाती हूँ तभी उसको देती हूँ, और कई बार हमारा चलता है इधर उधर चलता है, लेकिन वो मेरे साथ ही नहीं है। अगर वो यहीं आसपास होती ना तो मैं उसको यहाँ पर लेके आती, लेकिन वो थोड़ा सा दूर रहती है। तो देखिए इस तरह से बनी है। तो मैंने पूरियों के साथ बनाई है ये सब्जी, मिक्स सब्जी है, आलू और मटर और विद क्या है ये, मटर आलू और गोभी। तो मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बंद गोभी बनाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि इसको खाना रिस्की है, लेकिन फिर वही चीज़ ना, अगर दिल में बहम बैठ जाता है तो फिर मैं इसको बार बार धो रही हूँ। पहले भी मैंने धोया इसको, अभी भी धो रही हूँ। तो चलिए अच्छे से धोते हैं और बना लेते हैं सब्जी को भी। तो फ्रेंड्स शाम के 7:15 हुए हैं और यहाँ पे अंधेरा होने को है। और यहाँ देखिए यहाँ पे अंधेरा 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 सा लग रहा होगा आपको। और मैं दूध को नहीं गई हूँ, और दूध को जा ही रही थी तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया। यहाँ देखिए यहाँ पे चांद दिख रहा है, आधा वाला चांद। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है और गुड नाइट हो रही है। आज मेरे पास नेट बचा ही नहीं है तो अब मुझे सोना पड़ेगा। और मैंने कोई मूवी डाउनलोड भी नहीं करी है, तो चलिए अब सो जाते हैं। सो गाइस गुड नाइट एंड टेक केयर, मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो एंडिंग तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें।